और ये जरूरी बात है, और खुसूसन यही बात करने में आया था, इससे पहले प्रेप टॉक चल रहा था, कि आज का हिंदू समाज, हिंदुस्तान में हिंदू समाज बुरी तरीके से सड़ चुका है। सर्जिल वर कारवाई करायला उशीर का होतोय? खुर्ची वाचवण्यासाठी तुम्ही आणखी कोणत्या गोष्टींची तडजोड करणार आहात यावर तुम्ही टिप्पणी कराल, यांच्याकडे सरकार नाही तर झोप लागत नाही। आमचे अतिशय उत्तम काम चालली आहेत, व्यवस्थित सेवा आणि आंदोलन सुरू आहेत, तुम्ही आम्हाला शिकवू नका। दरवेळी सरकार नाही म्हणून झोप येत नाही असं गुळगुळीत वाक्य म्हणू नका। कारवाई करणार की नाही ते सांगा, असं चंद्रकांत पाटील यांनी ठणकावून म्हटलंय। और अभी ये जो पुणे में कॉन्फ्रेंस हुई, उस एल्गार परिषद में शर्जील उस्मानी ने जो कहा हिंदू समाज के बारे में, उस पर भी कोई कार्रवाई करेगा नहीं, कोई कानून का राज नहीं। लेकिन हिंदू समाज पूरे देश में इतनी बड़ी संख्या में है, महाराष्ट्र में है, और कोई एक लड़का आकर बोल के जाता है तो क्या सरकार की यह कल्पना है कि समाज स्वयं होकर एक्शन करे? गत 5 दिन से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही, हम कानून के बाहर कोई कार्रवाई मांग ही नहीं रहे, तो कानून के अंतर्गत कार्रवाई 5 दिन से हो नहीं रही। तो यह मूल उत्तर प्रदेश के निवासी है, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को पत्र लिखा है, उत्तर प्रदेश के योगी जी को पत्र लिखा है, तो आप इसमें कुछ करिए। हिंदू समाज संपूर्ण महाराष्ट्र आणि देशात मोठ्या संख्येत आहे। कोणीतरी एक मुलगा येऊन काहीतरी बोलून जातो, त्यावर समाजाने कारवाई करावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे का? या प्रकरणी गेल्या 5 दिवसांपासून काहीच कारवाई झालेली नाही। आम्ही कायद्याबाहेरील कारवाई मागत नाही, पण कायद्या अंतर्गत कोणतीही कारवाई झालेली नाही। सर्जिल उस्मानी हा मूळ उत्तर प्रदेशचा रहिवाशी आहे, त्यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला आम्ही पत्र लिहिलंय। आम्ही उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र पाठवलंय, असं चंद्रकांत पाटील म्हणालेत। ब्युरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र न्यूज 24।